हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल, जिसका नाम पहले था वाईफाई स्टडी और अब बदल के इसका नाम हो गया है दोस्तों अनअकैडमी यूपीएससी। सो मैं सुमित राठी आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल अनअकैडमी यूपीएससी पे। और दोस्तों समय है मॉर्निंग आपका क्विज का। 5 क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं, तो वही 5 क्वेश्चन अभी मैं आपको कराऊंगा। कौन कौन से 5 क्वेश्चन हैं जो हम डिस्कस करेंगे, तो ये करंट अफेयर बेस्ड क्विज होती है जो हम यहाँ पे रोज जो है वो डिस्कस करते हैं। सो तारीख जो है थोड़ी सी यहाँ पे मैं चेंज करूंगा, यहाँ तारीख जो हमारे पास दैट इज द 5th of March, 5 मार्च है आज तारीख। और 5 मार्च से क्या क्या मैं आपके लिए क्विज लेके आया हूँ, तो 5 क्वेश्चन 5 मार्च सुबह 5 बजे, चलिए देखते हैं। अच्छा दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण सूचना, अनअकैडमी पे डिस्काउंट है यार बहुत अच्छा। और अभी जो 2 ईयर का जो कोर्स है, 2 ईयर का कोर्स आपको मिल रहा है, वैसे यूजुअली इज 80,000 रुपीज, बट अभी ये कितने में मिल रहा है आपको, ये आपको मिल रहा है 43,000 में, है ना, ये 53,000। वैसे कोर्स का रेट जो है वो है 52, लेकिन अगर आप इसके अंदर सुमित 10 रेफरल कोड यूज करते हो ना, सो यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। और ये कोर्स 10 से भी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है आपको, 10% से भी ज्यादा, और आपको 43,000 के अंदर ये कोर्स मिल रहा है। तो देर मत कीजिए दोस्तों, जल्दी से जाइए इस कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए और एक ही कोड आपको याद रखना है, दैट इज सुमित 10। ओके चलिए आगे बढ़ता हूं मैं दोस्तों। तो यूपीएससी एज ही हमने प्रोग्राम स्टार्ट कर रखा है अनअकैडमी यूपीएससी चैनल के ऊपर। सो यहां पर हम 75 डेज में क्रैक प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी जो है वो बना रहे हैं। मेरे साथ महामहिम है, नीरज पारिक सर है और चौधरी साहब आपके साथ उपस्थित हैं, और इनको कौन भूल सकता है, द महान ग्रेट पवन सर, ये भी हमारे साथ उपलब्ध हैं। महामहिम हमारे साथ हैं और पारिक सर हैं और मैं तो जैसे हूँ ही आपके साथ। सो सभी लोग हमारे साथ आपके साथ हैं। कोशिश रहेगी हमारी कि आपकी जो तैयारी है, जो सिलेक्शन है आपका, उसमें कोई कसर ना रह जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये मेरा कोड है यार सुमित 10, सब दुखों की एक दवा तू कहे घबराए, जब सुमित 10 है तो कहीं और क्यों जाना। अनअकैडमी पे कोई भी अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड सुमित 10 एंड यू विल गेट अ हैवी डिस्काउंट। आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा और मौका मिलेगा साथ में अपने करियर को मेरे साथ प्लान करने का। यू कैन पर्सनली कॉन्टैक्ट विद मी, आप मेरे साथ बिल्कुल सीधे संपर्क में रहेंगे, सारी चीजें जो है हम बैठ के आराम से प्लान करेंगे, आपका और मेरा बिल्कुल पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस यहाँ पर रहेगा। तो आगे बढ़ता हूं दोस्तों मैं। तो पहली आज जो हमारी क्विज है वो है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, PMEGP, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम प्रोग्राम क्या है। देखो इसे सवाल हमने रखा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के बारे में कुछ कथन दिए, आपको विचार करना है। पहला क्या कह रहा है, PMEGP इज अ क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम वेयर सब्सिडीज अप टू 45% इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। कह रहे हैं कि क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है जहां पर केंद्र सरकार के द्वारा आपको 45% की सब्सिडी दी जाती है, पहला। दूसरा बोल रहा है कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इज द नोडल इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज एट द नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर पर खादी और ग्राम उद्योग आयोग नोडल कार्यान्वयन एजेंसी है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताने हैं कौन सा सही है। देखो एक बात मैं बता देता हूं, आई होप आपने क्वेश्चन को कर लिया होगा, आपको समझ में आ गया सारी चीजें। देखो अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। देखो यार ये बात तो सही है कि क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है, बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है और इसको इंप्लीमेंट करने वाला जो है वो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ही है, है ना। और अगर मैं बात करूं तो सब्सिडी भी है, लेकिन सब्सिडी जो है ना वो अप टू 35% नहीं है, ये अप टू 35% है, नॉट 45। सो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, सेकंड स्टेटमेंट वाज इज राइट, सो ओनली 2 इज द राइट ऑप्शन। 2 इसका क्या है दोस्तों, सही जवाब बी इज द राइट ऑप्शन, है ना। सो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मैंने बताई दी आपको, तो वो जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड सीनियर मैनेजमेंट ऑफ द ऑल बैंकिंग, इन सब ने मिलकर एक बैठक की, एक मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग में देखा गया कि ऐसी ऐसी जगह, ऐसे ऐसे क्षेत्र जहां कम लागत में ज्यादा आपका रोजगार उत्पन्न किए जा सके, तो उनको उनकी जो उनके ऊपर एक मीटिंग हुई है और उनको रिव्यू करने की बात जो है सरकार ने की है। ये प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो प्रोग्राम है उसके अंदर की कुछ बातें हैं, बारीकी से आप देख सकते हो। देखो अप टू 35% है SC ST OBCT के लिए, अर्बन एरिया में भी अप टू 25% है फॉर SC ST एंड OBC, जनरल के लिए 15% सरकार सब्सिडी देती है, गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोग्राम, आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये लॉक इन पीरियड होता है मिनिमम 3 ईयर का और एज क्राइटेरिया कम से कम 18 साल के आप होने चाहिए। मिनिमम प्रोजेक्ट कोर्स, देखो हम MSME जो माइक्रो इंटरप्राइजेज है ये किसके लिए हो दोस्तों, ये माइक्रो के लिए, कि सरकार क्या करती है ना आपको माइक्रो छोटे लेवल के एंटरप्राइजेस लगाने के लिए सरकार आपको क्या देती है, क्रेडिट सब्सिडी देती है।
तो माइक्रो स्कीम जो आपकी इंडस्ट्री होगी इसकी परिभाषा क्या होती है, तो ऐसी मैन्युफैक्चरिंग इकाई जिसके पास कम से कम 25 लाख का मिनिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट हो उसकी, और सर्विस सेक्टर में मिनिमम कितना होना चाहिए, 10 लाख की कॉस्ट होनी चाहिए, है ना। तो दीज आर द बेनिफिशरीज एंड दिस इज द ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये सब दिया जाता है। तो एज आई टोल्ड यू, मैंने बता दिया लगभग 35% की सब्सिडी आपको प्रोवाइड की जाती है थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। पर्पस क्या होता है, टू प्रमोट द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थ्रू सेटिंग अप ऑफ द माइक्रो एंटरप्राइजेस, कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है उसको स्वरोजगार को बढ़ावा दो। किसकी स्थापना से, सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के माध्यम से आप स्वरोजगार को बढ़ावा दीजिए। तो ये लेवल ऑफ फंडिंग प्रोग्राम है, किस प्रकार से फंड दिया जाता है, तो एक बार आप देख लेना। अप टू 35% है रूरल एरिया के अंदर, एंड अर्बन एरिया में अप टू 25%, एंड दिस इज फॉर द बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशंस ऑफ द प्रोजेक्ट कोर्स, कितना प्रोजेक्ट उसका होना चाहिए आपका, ये भी है बताया गया आपका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ये भी जो है आपका, यही तो इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, यही तो इसको इंप्लीमेंट करता है आपका, ओके। तो यही इसको इंप्लीमेंट करता है नेशनल लेवल पर। स्टेट लेवल पर स्टेट केवीसी के डायरेक्टर होते हैं, स्टेट आपका खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज जो कमीशन है उसके क्या होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, स्टेट खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर होते हैं। तो अलग अलग स्टेट लेवल पे अलग अलग लोग जो है उसको इंप्लीमेंट करते हैं, ओके। चलिए अगली बात हम करते हैं बायोफ्यूल। बायोफ्यूल क्या होता है, देखो बायोफ्यूल ऐसी चीज है बेसिकली जो आपका ग्रीन हाउस गैस को, ग्रीन हाउस एमिशन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। इसके अंदर फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल हम नहीं करते, और जो बायोडिग्रेडेबल आइटम्स हैं जो उनसे हम इस्तेमाल करके क्या करते हैं, हम आपका फ्यूल बनाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट दी गई है। बायोफ्यूल प्रोडक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ लो कॉस्ट एंड सस्टेनेबल सप्लाई ऑफ सुगर एंड नाइट्रोजन सोर्सेस। पहला, बायोफ्यूल कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक मैटर बट विद मोर एमिशन ऑफ द CO2। अब एक बात बताओ, जब CO2 का एमिशन ज्यादा होगा हम पागल हैं, बायोफ्यूल को क्यों इस्तेमाल करेंगे, तो गलत बात है, तो पहले साफ साफ दिख रही है। साइनोबैक्टीरियल बायोमास प्रोवाइड अ नाइट्रोजन सोर्स इन द फॉर्म ऑफ द प्रोटीन, ये बात बिल्कुल सही है। देखो सुगर के अंदर क्या होती है भाई, सुगर के अंदर होती है एनर्जी, अगर आप इसको बर्न करोगे इट विल गोइंग टू प्रोड्यूस एनर्जी, तो इसमें एनर्जी होती है ऊपर से नाइट्रोजन, तो ये बिल्कुल दोनों चीज जिसमें होंगी ना दे विल प्रोड्यूस द बायो एनर्जी, उससे बायोफ्यूल जनरेट होगा, है ना। साइनोबैक्टीरियम जो है ये हर वाटर बॉडी के अंदर पाया जाता है, एक ब्लू ग्रीन एल्गी होती है ये, और ये जो जनरली है ना इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और इससे भी हम बायोमास जो है वो बनाते हैं। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, सो डी इज द राइट आंसर, डी बिल्कुल सही है दोस्तों, है ना। डी मैंने बताया आपका सही है पहला और तीसरा, थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में। अब ये भी रिसर्चर है ना ICGEB ने, वो डेवलप कर रहे हैं एक ऐसा मेथड जिससे जो ग्रोथ रेट है ना शुगर कंटेंट का इन मराइन साइनोबैक्टीरियम वो बढ़ जाए, और वो साइनोबैक्टीरियम का नाम है देखो ये साइना इकोकोपस सैप PCC 7002। इसके अंदर वो ऐसे मेथड की तलाश में है जिससे इनका शुगर कंटेंट जो है ना वो बढ़ जाए, ठीक है। और ये भी एक बायोफ्यूल प्रोडक्शन प्रोसेस है, आप जानते हो गोबर से भी बनाया जाता है ना। तो बायोफ्यूल प्रोडक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द लो कॉस्ट एंड सस्टेनेबल सप्लाई ऑफ द शुगर एंड नाइट्रोजन सोर्सेज। भाई अगर बायोफ्यूल भी बनाना है ना तो उसके लिए भी तो हमें जो ईंधन है, जो आपका इनपुट है उसके उसको उसके ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, तो वो कहाँ से आएगी, तो हमें डिपेंड रहना पड़ेगा अवेलेबिलिटी ऑफ द लो कॉस्ट एंड सस्टेनेबल सप्लाई ऑफ द शुगर एंड नाइट्रोजन सोर्सेज, ठीक है। द शुगर टिपिकली कम्स फ्रॉम द प्लांट, ये प्लांट से आती है, और साइनोबैक्टीरियम जो है उसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, इज ऑल्सो नोन एज द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म फाउंड नेचुरली इन द ऑल टाइप द वाटर, हर उसमें पाया जाता है बेसिकली, नीली हरी सैवाल होती है ये आपकी। आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों, तो ये आपका पूरा वो बायोफ्यूल का ही चक्कर है। ये फ्यूल होते हैं, बायोफ्यूल होते क्या हैं, तो दे आर द फ्यूल दैट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर, नॉन और इनऑर्गेनिक नहीं है, दे आर ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का सिंपल मतलब है जो आपको पेड़ से मिले दैट इज ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑफ द बायोमास सच एज कॉर्न, सुगर, वेजिटेबल ऑयल्स, वेस्ट फीडबैक एक्सेट्रा, ठीक है। एग्जाम्पल है बायो इथेनॉल और बायो डीजल्स, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे बढ़ रहा हूं मैं दोस्तों, दिस इज यूरेशियन वाटर, अभी इससे सवाल मैंने किया था, अभी हमने मॉर्निंग करंट अफेयर के अंदर इसको डिस्कस किया था, इन द दो दिन पहले अगर मैं बात करूं तो उस क्लास के अंदर 3 तारीख को मैंने इसको डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो उसी से मैंने सवाल पूछ दिया आपको। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूरेशियन वाटर, यूरेशियन वाटर से संबंधित कुछ आपको, यूरेशियन उद्बिलाव की से संबंधित कुछ बातें हैं। क्या कह रहा है कि ये नियर थ्रेटन्ड है IUCN की रेड लिस्ट के अंदर, ठीक है। दूसरा कह रहा है दे आर द ओनली स्पीसीज ऑफ वाटर दैट आर फाउंड इन इंडिया, ये भारत में एकमात्र स्पीसीज है वाटर की जो भारत में पाई जाती है। दीज आर लिस्टेड अंडर द Schedule 2 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। देखो ये बात तो आपको पता है कि पहला स्टेटमेंट तीसरा स्टेटमेंट मैंने बताया था, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये इंडिया में पाए नहीं जाते,
है ना। सो कौन सा सही है इस केस में अगर आपसे बात करूं तो, मैं 1 और 3, तो बी इज द राइट ऑप्शन। यूरेशियन, जब मैं नाम यूरेशियन लिख रहा हूं दैट मीन्स ये कहां मिलेंगे, एशिया और यूरोप के इलाके में, तो इंडिया में तो मिलेंगे ही नहीं आपका ये। सो बिल्कुल सही बात है। रिसेंटली द प्रेजेंस ऑफ अ वायबल ब्रीडिंग पॉपुलेशन ऑफ फिशिंग कैट हैज बीन फाउंड इन चिल्का लेक। चिल्का लेक के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में ना, अच्छी मात्रा में चिल्का लेक के अंदर एक फिशिंग कैट, जंगली बिल्ली, वो जो चीता जैसी दिखती थी, याद करो वो मैंने 3 तारीख का करंट अफेयर का लास्ट का पार्ट देखना, लास्ट के 5 मिनट सारी ये बातें आपको समझ में आ जाएगी, है ना। इसके बाद स्मूथ कोटेड आउटर और यूरेशियन आउटर दोनों वहां पर उस लेक में रिकॉर्डेड किया गया, ठीक है। ये स्मूथ कोटेड आउटर और यूरेशियन आउटर आपने देख लिया, इनका हैबिटेट कहाँ कहाँ है, तो ये यूरेशियन इलाके में पाए जाते हैं, मैंने पूरा कराया हुआ है, आप 3 तारीख का आखिरी में थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। नियर थ्रेटेंड है और शेड्यूल 2 के अंदर जो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसके अंदर भी इनको रखा गया। अगला है दोस्तों नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, NHFDC, ये क्या है दोस्तों, तो नाम से ही पता चल रहा है नेशनल हैंडीकैप्ड के लिए उनको फाइनेंस और डेवलपमेंट के लिए कॉरपोरेशन जो है वे हमारी है। विद रेफरेंस टू द नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कह रहा है, NHFDC प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम टू पर्सन विद डिसेबिलिटी। इट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द पर्सन विद डिसेबिलिटी, विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। NHFDC works under the aegis of the Department of Empowerment of Person with Disability, कि NHFDC जो है विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग के तत्वाधीन में काम करता है। सर दोस्तों आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, मैंने ये पढ़ाया हुआ टॉपिक है, एक कम फेस्ट याद करो, उसी दिन मैंने पढ़ाया था आपको, सो ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, है ना, याद है ना, एक कम फेस्ट आपको, एग्जीबिशन कम फेयर, एक कम फेस्ट, इसमें क्या किया था हमने, जो आपका हैंडीकैप्ड है तो उनके लिए नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने एक एग्जीबिशन कम फेयर ऑर्गेनाइज किया था, कहां पर, दिल्ली में। क्यों किया गया था, ताकि अपनी जो क्राफ्टमैनशिप है और जो प्रोडक्ट है ना, दिव्यांगजन के जो लोग हैं, जो भाई दिव्यांगजन है, जो उनके प्रोडक्ट और क्राफ्टमैनशिप है ना, उनको वो शोकेस कर सके यहाँ पे, है ना। तो इसलिए हमने एकम स्टैंड, और एकम की फुल फॉर्म क्या थी, एंटरप्रेन्योरशिप नॉलेज अवेयरनेस एंड मार्केटिंग, ओके। सो ये कॉरपोरेशन है जो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर काम करती है, एज इज रजिस्टर्ड एज ए नॉन प्रॉफिट कंपनी है ये, नॉन प्रॉफिट कंपनी मतलब प्रॉफिट के लिए नहीं बनी है। अगला सवाल है दोस्तों लाइफ मिशन हाउसिंग स्कीम, लाइफ मिशन हाउसिंग स्कीम क्या है, चलिए बात कर लेते हैं। अभी लाइफ का मतलब है लाइवलीहुड इंक्लूजन फाइनेंशियल एम्पावरमेंट मिशन, समटाइम्स सीन इन द न्यूज रिसेंटली, इज इंप्लीमेंटेड इन द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो बताओ आप किस स्टेट में है। तो देखा हमने लाइफ ये अभी अभी मैंने जैसे दिखा भी दिया, केरला के चीफ मिनिस्टर का फोटो लगा था, तो सी इज द राइट आंसर, केरला। केरल के अंदर क्या किया जा रहा है, देखो एक तो हमारी सेंटर की स्कीम चलती है प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, दूसरा हमारे पास स्टेट की भी स्कीम है जिसका नाम है लाइफ मिशन। दोनों ने मिला के टारगेट रखा है क्या, कि इनको 2285 हाउस जो है वो कंस्ट्रक्ट करके प्रोवाइड कराने हैं, ठीक है, ये प्रोवाइड कराने हैं दोनों को मिलके, दोनों स्कीम के मिला के, और इसी को इन्होंने नाम दिया है। द टारगेट ऑफ द मिशन इज टू प्रोवाइड सेफ हाउसिंग टू नियरली 4.3 लाख होमलेस इन द स्टेट विद इन द पीरियड ऑफ द 5 ईयर, 5 साल के अंदर ही करके देना है इनको, ये टारगेट इन्होंने रखा हुआ है। तो दोस्तों ये था आपका आज का करंट अफेयर, आप मेरे को फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, ये मेरा फेसबुक पेज है। अच्छा इंपॉर्टेंट बात है सुन लो, फेसबुक पेज के ऊपर या रोज मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दूंगा मेंस के लिए, ठीक है, आपको उसका जवाब लिख के पोस्ट करना है यहाँ पर, ठीक है, आप आपस में बच्चे हैं वहां पर बहुत सारे आपके क्वेश्चन को चेक करेंगे और मैं भी एक स्टैंडर्ड आंसर होगा यहाँ पे अपलोड करूंगा। ये मेरा पर्सनल फेसबुक अकाउंट है, यहाँ पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, ये मेरी मेल आईडी है, कोई भी आपको क्वेरी हो, आपको सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोई भी क्वेरी हो, सो आप मेरे को यहाँ पर मैसेज कीजिए, ठीक है, यहाँ पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। और मैंने बता दिया यार देखो 2 साल का 2 ईयर का अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है वैसे उसकी कॉस्ट है 80,000 रुपये, बट वो रिड्यूस कर दी गई है, नाउ इट इज 53,000, और इस 53,000 के अंदर 52,000 के अंदर भी अगर आप मेरा कोड लगाते हो ना Sumit10, है ना, Sumit10 जैसे आप इस्तेमाल करोगे विल गेट इट इन ऑन 43,000। आप पूछोगे सर फायदा क्या, हम तो एज प्रोग्राम का हिस्सा, एज का बाप आ रहा है वहां पे, यहाँ PDF का इशू हो रहा है दोस्तों, वहां कोई इशू नहीं होने वाला, वहां आप मेरे से पर्सनल कांटेक्ट में रहोगे, सारे सब्जेक्ट मैं आपको वहां पर पढ़ाऊंगा। तो ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग द टुडेज क्लास, और एक इंपॉर्टेंट सूचना आपको दे ही चुका हूं मैं दोस्तों कि अब जो वाईफाई स्टडी था ना आपका, नाउ इट्स कंप्लीटली अनअकैडमी UPSC चैनल, ओके। सो टेक केयर दोस्तों, मिलते हैं 8 बजे करंट अफेयर में, जब तक के लिए जय हिंद।